वंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में एक बार फिर से आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे। जी हां, राज ठाकरे ने अब तक ऐसे कई बयान दिए हैं जिसके चलते सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं राज ठाकरे के बाद अब एक बार फिर से अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। बीते साल जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत की एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ, लेकिन इस बगावत से कुछ महीनों पहले ही लाउडस्पीकर अभियान शुरू कर दिया था राज ठाकरे ने। उद्धव सरकार से उस वक्त उनकी मांग रही थी कि दरगाह में जो लाउडस्पीकर पर यहां पर नमाज पढ़ी जाती है तेज आवाज में, उस पर फैसला लिया जाए जिससे कि राज्य में रह रहे लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर यहां पर फैसला नहीं लिया जाता है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में करेंगे। लेकिन अब देखा जाए यहां पर दरगाह को लेकर बुलडोजर एक्शन जो लिया है गया है उसको लेकर यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि राज ठाकरे ने यहां पर क्या कुछ कहा। दरअसल इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर मुंबई में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल उठाते हुए माहिम तट पर अवैध दरगाह को प्रशासन ने गिरा दिया। रैली के दौरान उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर दरगाह को नहीं हटाया गया तो निर्माण स्थल पर विशाल गणपति मंदिर बनाया जाएगा। एक दिन बाद मुंबई में दरगाह के खिलाफ एक्शन हो गया और अब देखा जाए तो यहाँ पर अतिक्रमण अभियान को लेकर लगातार सियासत तेज है। मैं संविधान को मानने वाले देश के मुसलमानों से पूछता हूँ, क्या आप इसकी निंदा करते हैं? मैं ताकत दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो दिखाना जरूरी होगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर इलीगल दरगाह को लेकर अब नवनीत राणा ने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहती है नवनीत राणा, किस तरह से वह एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार से मांग करती हुई नजर आई है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। अरे हमारे मुंबई में जो दरगाह से अतिक्रमण हटाया गया है, इसे किस रूप में आप देखते? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ सर, कोई भी दरगाह हो, कोई भी चीज़ हो जो आस्था के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो इल्लीगल जगहों पे बनाते हैं समुंदर के बीच में जाकर, जिसकी कोई परमिशन नहीं ली जाएगी, तो मुझे लगता है ये सरकार जो महाराष्ट्र में जो विचारधारा की सरकार है वो ये काम जरूर करेगी। इल्लीगल चीज़ों को हटाई जाएगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और राज जी ने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी स्पीच में कहा है कि 17,000 कार्यकर्ताओं पे जो गुनाह दाखिल हुआ है, तो उसके लिए भी मैं पत्र देने वाली हूँ कि जितने भी गरीब कार्यकर्ता होते हैं पार्टी में, जो भी काम करते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, और उन पे अगर 33 महीने की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने जो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं पर जो गुनाह दाखिल किया पूरे महाराष्ट्र में, मुझे लगता है हमारे गृह मंत्री वो सभी सुनेंगे राज्य के और उसको सभी को सॉल्व करेंगे। और मैं जो सरकार चाहते थे हम, जो विचारधारा की सरकार हमारे महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी वो सरकार है, और अगर वो इल्लीगल है दरगाह तो उसे 100% निश्चित। राज ठाकरे ने जिस तरीके से दबाव डाला और उसके बाद आज कार्रवाई की गई। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, अगर कोई इल्लीगल चीज है उसके लिए एकनाथ शिंदे जी को और हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र साहब को कोई दबाव की जरूरत नहीं है, वो ऐसी चीजों को, इल्लीगल को जड़ से उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरह से यहाँ पर नवनीत राणा एक बड़ी मांग करती हुई नजर आई हैं और जल्द ही वह पत्र भी लिखती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर राज ठाकरे और नवनीत राणा की मांगों को किस तरीके से शिंदे और फडणवीस की सरकार पूरा करती हुई नजर आएगी। तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।